शकुनी समेत इन पांच मामाओं ने महाभारत में किया था खेल, श्री कृष्ण भी थे शामिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मोक्ष चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हम अक्सर साझा करते रहते हैं। द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए 18 दिनों तक महाभारत युद्ध लड़ा गया। इसमें करोड़ों योद्धाओं की जान गई। कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की तमाम कहानियां और निशान आज भी मौजूद हैं। लेकिन जब बात मामा की आती है तो सबसे पहले शकुनी मामा को ही याद किया जाता है। इनके अलावा महाभारत के पांच और मामा भी थे जिनकी चर्चा सबसे पहले की जाती है। शकुनी गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा थे। वो शुरू से ही दुर्योधन को गलत सलाह देते थे। वो उन्हें कपट और छल की राह सिखाते थे, जो उनके विनाश का कारण बनी। महाभारत काल में श्री कृष्ण का मामा कंस था। वो अपनी मौत के भय से श्री कृष्ण को मारना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। महाभारत में पांडवों के मामा शल्य थे। कौरव भी उन्हें अपना मामा मानकर सम्मान करते थे। दुर्योधन ने शल्य की आवभगत कर उन्हें युद्ध में अपनी तरफ शामिल कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के मामा थे। जी हाँ, उन्होंने ही महाभारत युद्ध में पांडवों को जीत दिलाई थी। गौतम ऋषि के बेटे शर्दवान और उनके पुत्र कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। वो महाभारत युद्ध में बचे 18 चिरंजीवी में से एक हैं। खबर के अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमने जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई है, ये ऑनलाइन मौजूद वेबसाइट्स और इंटरनेट पर मिली हुई जानकारी के आधार पर दी है। मोक्ष चैनल इसकी कोई भी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसी ही बहुत सी वीडियोस हम अक्सर शेयर करते रहते हैं। और अगर बेल आइकन को दबाएंगे तो आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपसे कोई भी वीडियो छूट नहीं पाएगी।